रखे हैं मेरे पिछले ब्लॉग्स में, तो आपने फिशेज नहीं देखी होगी, तो आज मैं आपको अपनी फिशेज दिखाऊंगा, अपनी पूरी फिशेज का सेटअप और उन्होंने बच्चे भी रखे हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। चल जाए वीडियो की तरफ को आई। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी फिशेज के पास, जहाँ पे हमने इनका ब्रीडिंग सेटअप बना रखा है। ये देखिए, यहाँ पे हमने मूली फिशेज छोड़ रखी है, मूली फिशेज का ब्रीडिंग सेटअप बना रखा है। यहाँ पे चार फिश हैं, एक मेल और तीन फीमेल है, दो सिल्वर, एक ब्लैक और एक ऑरेंज। हमारी ऑरेंज वाली मछली ने बच्चे भी ले रखे हैं, वो देखिए आपको दिखे होगी, उसके अंदर छुपी हुई है हमारी मछली ऑरेंज वाली। ये थोड़ा पानी गंदा है, इससे आपको साफ दिख नहीं पा रहा होगा, मैं आपको बच्चे दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहे इनके बच्चे, ये टोटल 11 है। देखिए ऊपर भी आया हुआ है बच्चे, ये सारे बच्चे ऑरेंज कलर के हैं। अभी ये दो दिन के बच्चे हैं, बाकी नीचे छुपे हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी और फिशेज भी दिखा दूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने अपनी मूली फिश रखी है। ये एक ऑरेंज है और एक ब्लैक कलर की है, ये एक बेयर है पूरा। हमने इसको इस पॉट में रखा है, इस गिलास के जार में। ये भी एक ब्रीडिंग बेयर है, ये भी बहुत जल्द बच्चे देने वाला है। तो हम आपको अपनी बाकी मछलियाँ भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो जार आ गए। इस बड़े वाले जार में हमारी एक बार मूली फिश का पेयर है और ये ब्लैक पेयर है, फुल ब्लैक पेयर, आप देख सकते हैं पेयर है। और इस छोटे वाले जार में हमारी एक बटर फिश है रेड कलर की। और ये मूली फिश का पेयर भी ब्रीडिंग पेयर है, ये भी बच्चे अभी नहीं देगा, ये कुछ वक्त बाद देगा। और हमारे पास अभी एक सिंगल बेटा फिश है, हम और भी मांगेंगे बेटा फिश अपने पास। फ्रेंड्स, ये थी हमारी अच्छी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।